वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है भूषण और आपको दादा रेडी स्टॉक पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आगे बढ़ने से पहले यार जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना, ऑल के ऑप्शन पे, ठीक है। और कमेंट कर देना एंड ऑफ द वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो आगे बढ़ते इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नेक्स्टकेप, जो मैंने कल आपको VI का AP दिया था, ठीक है। स्केप 2.0, अगर मैं आपको बोलूँ तो स्केप 2.0 का हम लोग आज करने वाले हैं पबजी टेस्ट, और साथ ही साथ में करने वाले हैं COD मोबाइल टेस्ट, ठीक है। दोनों की पिंग जो है वो कितनी आ रही है वो हम लोग टेस्ट करेंगे, और साथ ही उसके बाद में मैं आपको बैकग्राउंड में भी दोनों को साइमल्टेनियसली रन करके ये दिखाऊंगा कि पबजी की पिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के। तो ये जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही कोई करके दिखाता होगा। तो आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है जहाँ तक बात है वीडियो की, ठीक है। तो अभी आप देख लीजिए, मेरा कोई वाईफाई वगैरह ऑन नहीं है, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। साथ ही में अभी भी हम लोग VIscape पे ही पड़े हुए हैं, VIscape पे हम लोग काम कर रहे हैं, मैंने कोई सेटिंग छेड़ी नहीं है, जैसे कि वैसी हर एक चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। VIscape यहाँ पे एक्टिव है, मैं सीधा एक काम करूँगा, मैं जाऊँगा सीधा पबजी मोबाइल में। वैसे तो मैं अभी तक खेल ही रहा था, बट स्टिल हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, नया गेम स्टार्ट कर लेंगे एक बार। एक्सिट मैच करते हैं हम लोग, और हम लोग चलते हैं नए गेम की तरफ, देखेंगे कि इसमें कितना पिंग आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि अभी चलिए रिकनेक्ट, क्योंकि मैंने अभी उसको रिफ्रेश किया हुआ है तो शायद ये डिसकनेक्ट हो गया था। चलिए लेट्स कीप इट अपार्ट, हम लोग चलते हैं हमारे पबजी की तरफ। हमें बस ये चेक करना है कि हमें पिंग कितना मिल रहा है पबजी में और COD में इस नए पेन से। गेमिंग बॉट मैंने इसमें लगाया हुआ है, गेमिंग बॉट V3। अगर आपको नहीं पता गेमिंग बॉट V3 क्या है तो आप उसे देख सकते हो। तो हमारी पिंग जो है यहाँ पे 72 के आसपास आ रही है, ठीक है, 72-76। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपको भी यानी ऐसे पिंग मिल रही है तो आप बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि इतनी पिंग जो है ये शायद से नॉर्मल हो सकती फ़िलहाल। तो 68 पे आके रुक गई है हमारी पिंग। तो पिंग जो है वो ओवरऑल कांस्टेंट आ रही है 72-76 की, तो ज़्यादा कोई चलिए पहला किल भी आ गया अपना। 72 की पिंग यहाँ पे पूरी दिख रही है, लेकिन मैं मरने के बाद मुझे पता चला 72-84। तो ये पिंग यहाँ पे इसमें आ रही है, ठीक है। तो देखने वाली चीज़ यही है कि कितना और नीचे जा सकती है, 64 तक चली गई है तो ये काफ़ी ठीक है, इट्स प्लेबल एक्चुअली, टोटल प्लेबल। सेवेंटी सिक्स की पिंग यहाँ कांस्टेंट मिल रही है हमें, पूरी कांस्टेंट, ठीक है। और अभी गेम चालू किए बस 2 ही मिनट हुआ है, 2 से 3 मिनट, ठीक है। तो पिंग बहुत अच्छी सी यहाँ पे कांस्टेंट आती हुई हमें 70-60-80 सीधा सीधा अगर कैलकुलेट की जाए 72, तो ये कांस्टेंट पिंग हमें यहाँ पे मिल रही है। तो पिंग का मुझे तो अभी इसमें कोई भी इशू लग नहीं रहा है अगर बात की जाए इसकी। तो अब हम लोग करेंगे COD को, चलो COD कॉल ऑफ ड्यूटी में भी हमें पिंग चेक करनी है कितनी आती है कितनी नहीं, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी भी बहुत लोग खेलते हैं। जब से पबजी बैन हो गया है ना, कॉल ऑफ ड्यूटी का मार्केट थोड़ा बढ़ गया है, तो COD हम लोग खेलेंगे, देखेंगे कि COD में भी क्या पिंग आती है, क्योंकि COD बहुत इंपॉर्टेंट गेम बन गया है। और इसमें भी सेम पिंग आ रही होगी तो आप ये समझ सकते हो कि ये APN जो है ये स्टेबल पिंग देने के लिए बना हुआ है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो यार सीधा सीधा हॉटस्पॉट क्रिएट करके गेम खेलता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि आपका डिवाइस एक जगह पे होता है और हिलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो स्टेबिलिटी आपको उसी से मिल जाएगी। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ट्राई कीजिए कि आप पहले एक सॉरी फॉर दैट एक हम आपका डिवाइस लीजिए जो 4G एनेबल्ड हो, उसमें आप सिम कार्ड डाल के आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि क्या पिंग आ रही है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल सीधा चलेंगे, आज हम फिर से देखेंगे कि पिंग आ क्या रही है। वैसे मैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वेटिंग टाइम चालू हो गया है, फ्रंट लाइन रैंडम। तो गेम यहाँ पे स्टार्ट हो गई है हमारी, देखते हैं इसका पिंग क्या आता है, क्योंकि यार ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है ना। अगर पबजी में आपकी पिंग आ रही है 68-70, तो इसमें देख के पिंग आ रही है 49। ठीक है, इसमें जो पिंग है वो 49-50 तक आ रही है हमारी, 45। तो कोई भी यानी डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट बहुत मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। बहुत मेजर डिफरेंस है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। मेरे हिसाब से इट्स टोटली प्लेबल यार, आप COD इस पे ज़रूर खेल सकते हो। अरे सो गया। तो यहाँ पे पिंग जो है हमारी अब 60 तक चली गई है, टोटली टोटल पिंग जो है वो 60 तक चली गई है, 49। तो पिंग आप यहाँ पे देख रहे हो एज सच बहुत चेंज नहीं है। ठीक है, बहुत नहीं है, मुझे तो नहीं लगा बहुत ज़्यादा चेंज, 47-50 के आसपास का यहाँ पे हमें मिल ही रहा है। तो इट्स टोटली प्लेबल, कोई इतना इशू नहीं, आप मीडियम में खेल सकते हो। अब मैं ऐसे शिफ्ट करूँगा सीधा सीधा पबजी में। ठीक है, तो पबजी हमने साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड में चलाए रखा हुआ है, तो अब हम लोग इसे फिर से देखेंगे क्या आता है। अब ये मैच तो गया, ठीक है, हम लोग फिर से इसको मैच एंडेड हो गई है ओके करेंगे, नई मैच चालू करके देखेंगे कि क्या इसका रिज़ल्ट है। स्टार्ट करते देखते हैं यहाँ पे अभी पिंग क्या फ़र्क पड़ रहा है। दोनों की पिंग हमें बस चेक करनी है, बाकी हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, गेम तो हमें खेलना है नहीं, हम लोग स्पेशली गेम के लिए एक मैच चालू यानी करने वाले हैं वैसे भी। तो गेम स्टार्ट हो गई है हमारी, तो देखते हैं यहाँ पे पिंग एक्जैक्टली हमें कितनी आने वाली है। तो 76 की पिंग यहाँ पे आ गई है, यानी सीधी सीधी बात है 70-80 की पिंग आपको यहाँ पे कांस्टेंट मिलने वाली है। लैग हो गया है गेम पूरा, तो 80 की पिंग यहाँ पे आ रही है 84। तो आप ये पकड़ के चलिए कि 60-80 के रेंज में आपको यहाँ पे स्पीड ज़रूर देखने मिलने वाली है। ठीक है, पबजी में अब हम लोग COD में चलेंगे सीधा। COD में भी अगर मैच ख़त्म हो गया है तो ठीक है, मैच चल रहा है COD में, क्या बात है। तो यहाँ पे पिंग आ रही है 50 की। तो देखने वाली ये चीज़ है कि ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार कि COD में कितनी कम पिंग क्यों आ रही है ना। COD में बहुत कम पिंग आ रही है, अगर मैं ये गेम मेरे इस पर खेलूँगा तो शायद मुझे और कम मिलेगी। ये स्पीड ब्रॉडबैंड पे अगर मैं खेलूँ या फिर हॉटस्पॉट क्रिएट करके खेलूँ तो शायद और कम मुझे मिल जाए पिंग। COD, कॉल ऑफ ड्यूटी, वॉरजोन आ जाए इसमें तो और मज़ा आ जाएगा।
तो मेरे ख्याल से दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा नाम है भूषण, आप थे द वैरायटी स्टफ पे। बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आपको अगर पसंद आया वीडियो तो यार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका क्या एक कितना ये चलता है ये ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है भूषण, टेक केयर।